नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। जय श्री राम। आखिरकार हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे लंबे विवाद पर फैसला आ ही गया। ये एक ऐसा फैसला है जिसमें हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों के सम्मान का बराबर ख्याल रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में विवादित जमीन रामलला के नाम कर दी है। साथ ही ये भी आदेश दिए हैं कि मुस्लिम पक्ष को कहीं और 5 एकड़ जमीन दी जाए। सबसे बड़ी अदालत के इस फैसले के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनना अब तय हो गया है। ऐसा भव्य मंदिर जिसके निर्माण का इंतजार पूरी दुनिया के करोड़ों हिंदुओं को न जाने कब से था। इससे पहले कि मैं इस फैसले के बारे में और बात करूं, मैं चाहूंगा हम 2 घड़ी रुककर उन तमाम लोगों को नमन करें सर झुकाकर, जिन्होंने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए अपना पूरा जीवन झोंक दिया। हम उन तमाम लोगों को दिल से थैंक यू भी बोलना चाहते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के न जाने कितने साल इस मामले को अंजाम तक पहुंचाने में लगा दिए, और इनमें से न जाने कितने ही लोग आज ये दिन देखने के लिए हमारे बीच हैं भी। उन सबको प्रणाम। साथ ही हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के लोगों का भी विशेष रूप से आभार, जिन्होंने इतने सालों की सुनवाई में कभी अपना धैर्य नहीं खोया। किसी मौके पर उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें अदालत का फैसला मंजूर नहीं होगा। और बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, वैसे तो आपने टीवी चैनल्स और तमाम जगह फैसले की डिटेल्स सुनी ली होंगी, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसे सिंप्लीफाई करके आसानी से आपके सामने रख दूं। खासतौर पर उन पॉइंट्स पर बात करना चाहूंगा जिसके आधार पर अदालत ने रामलला के पक्ष में फैसला सुनाया। सबसे पहले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने फैसले में कहा कि इस बात के सबूत नहीं मिले हैं कि 1856 से 57 तक विवादित जमीन पर नमाज पढ़ी जाती थी, लेकिन इस बात के सबूत हैं कि हिंदू अंदरूनी हिस्से में पूजा करते थे। इसके अलावा हिंदू बाहर भी पूजा किया करते थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा तवज्जो ASI की रिपोर्ट को दी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को। अदालत ने कहा है कि ASI की रिपोर्ट से पता चलता है कि मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी। उस जमीन के नीचे 12वीं सदी का मंदिर होने के भी सबूत मिले हैं, और खुदाई में जो कलाकृतियां मिली थी वो इस्लामिक नहीं थी। आपको बता दूं, मुस्लिम पक्ष लगातार ASI की इस रिपोर्ट का विरोध कर रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे नहीं माना। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि इससे यह साबित नहीं होता कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि हिंदू पक्ष ने ऐतिहासिक ग्रंथों के जो सबूत दिए हैं उससे भी कई दावों की पुष्टि होती है। जैसे हिंदू पक्ष का कहना था कि हिंदू वहां परिक्रमा करते थे, वो गुंबद को भगवान राम के जन्म का असली स्थान माना करते थे। इसके अलावा हिंदू विवादित जगह पर सीता रसोई, चबूतरा और भंडारे के होने की बात भी करते थे। अदालत ने माना कि हिंदू पक्ष ने ग्रंथों के जो सबूत दिए उनसे इन तमाम दावों की जमीनी तौर पर पुष्टि होती थी। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि भगवान राम अयोध्या से संबंध रखते थे, इस पर तो शुरू से किसी को डाउट नहीं है और न कोई विवाद है। तो ये कुछ ऐसी खास बातें थीं जिसके बाद रामलला के पक्ष में फैसला सुनाया गया। इसके साथ ही हिंदुओं का सबसे बड़ा आराध्य भगवान श्री राम का उनके जन्म स्थान पर मंदिर बनने का रास्ता अब साफ हो गया। मेरा भी यही मानना है कि आज जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है तो हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यहाँ मामला किसी की हार और जीत का नहीं है, बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में सभी लोगों की भावनाओं का सम्मान का है। प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करके कहा कि राम की भक्ति हो या रहीम की भक्ति हो, भारत भक्ति भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। सो उम्मीद है हम सब भारत भक्ति करें। वैसे सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने जहां सर्वसम्मति से विवादित जमीन पर राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया, तो अदालत ने भी साफ कर लिया कि सरकार मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दे। आपको बता दूं कि अगर वाकई इतनी बड़ी जमीन पर मस्जिद बनती है तो हिंदुस्तान में एरिया के हिसाब से ये बनने वाली सबसे बड़ी मस्जिद होगी। और जब ये फैसला आ गया है तो हमें उन करोड़ों लोगों की खुशी का भी सम्मान करना चाहिए जो अपने सबसे बड़े आराध्य श्री रामचंद्र जी का अपने ही घर में मंदिर बनने से खुश हैं, वो इसका इंतजार कर रहे थे। आखिर हर धर्म का व्यक्ति यही तो चाहता है कि वो जिस भी ईश्वर में मानता है और जिस भी ईश्वर को सबसे बड़ा मानता है, सबसे सम्मानित मानता है, उसे उचित स्थान मिले। और आज जब अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का बनना तय हो गया है, तो आइए ऐसे तमाम लोगों को हम दिल से बधाई देते हैं, कंग्रेचुलेट करते हैं, उन्हें शुभकामनाएं दें, क्योंकि ये दिन शायद उनके जीवन में किसी दिवाली से भी बड़ा है, है कि नहीं। साथ ही दोनों पक्षों के उन तमाम लोगों को भी दिल से हम लोग थैंक यू बोलते हैं जिन्होंने बिना संयम खोए पूरे धैर्य के साथ अदालती रास्ते से अपनी लड़ाई लड़ी है। और आखिर में सबसे जरूरी बात जो हिंदुस्तान के धर्म निरपेक्ष चरित्र के बारे में सबसे बड़ी टिप्पणी करती है, वो ये कि इस पूरे विवाद में मुस्लिम पक्ष के मुख्य वकील राजीव धवन थे, जो कि एक हिंदू हैं, जिन्होंने मुस्लिम पक्ष को जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ जिस ASI रिपोर्ट को मुख्य आधार मानकर सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के पक्ष में फैसला सुनाया है, वो रिपोर्ट जब तैयार की गई थी तब ASI के चेयरमैन KK मोहम्मद थे। क्या अब भी कुछ बाकी रह जाता है कहने सुनने को, हिंदू मुस्लिम करने को? नहीं ना। चाहते जाते बस एक बात मैं न्यूज चैनल वालों से कहना चाहूंगा, अरे ओ न्यूज चैनल वाले भाई लोग, तुम लोग किससे संयम बनाने की अपील कर रहे हो?
सबसे ज्यादा आपा तो खुद तुम्हारे एंकर लोग खो देते हैं, तुम उनको संभाल लो, उनको काबू में रखो। जनता हमारी बहुत समझदार है कि नहीं, और उन्हीं समझदार जनता से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप ऐसे चैनलों से बचना चाहते हैं और साफ सुंदर लहजे में फन के साथ कुछ काम की बात सुनना चाहते हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यस, आरजे रौनक चैनल का नाम है, और हमारा जो ये बेल आइकन है वो भी आपको दबाना है। हमारा मोबाइल ऐप अगर आपके फ़ोन में अब तक नहीं आया तो उस मोबाइल ऐप को भी आप ज़रूर डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, अपने फ़ोन में रखें, क्योंकि उसमें एक साथ कई सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट, हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है आरजे रौनक नो पो, उस पर भी एक वीडियो 24 घंटे के अंदर डाल देंगे। आपने चैनल सब्सक्राइब किया तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं किया तो प्लीज़ वो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय श्री राम।